मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया। स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी, उसी दौरान रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे। वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहां उनको रिप्रेजेंट करूं। अब बड़ा सवाल है कि क्या इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए गांधी परिवार से रॉबर्ट वाड्रा मैदान में उतरेंगे। रॉबर्ट वाड्रा अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन 2019 में राहुल गांधी के अमेठी से हारने और इस बार भी दिलचस्पी न दिखाने के बाद वाड्रा की दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। स्मृति ईरानी बार बार अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में सवाल पूछती आ रही हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। अब सवाल है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के बयानों को स्मृति ईरानी के लिए जवाब माना जाए। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में स्मृति ने राहुल को 55,120 वोटों से हराया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को 4,08,651 और स्मृति ईरानी को 3,748 वोट मिले थे। इस चुनाव में राहुल ने 1,07,903 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस अभी तक अमेठी में उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का बयान नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। अमेठी सीट कांग्रेस परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। गांधी परिवार की ओर से 1980 में संजय गांधी पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी पहली बार अमेठी से ही लड़े और सांसद बने। 1984, 1989 और 1991 में भी राजीव यहां से जीते। हालांकि 1991 में नतीजे आने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से जीत दर्ज की, जबकि 2004, 2009 और 2014 लगातार तीन बार राहुल गांधी अमेठी के सांसद बने। गांधी परिवार के इसी रिकॉर्ड को देखकर शायद रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि अभी तक परिवार और पार्टी में इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही वाड्रा अपनी मेहनत के दम पर भी चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। वाड्रा ने यह भी दावा किया कि कई और राजनीतिक दलों ने भी उन्हें चुनाव में सपोर्ट करने की पेशकश की है, मगर कांग्रेस क्या फैसला लेगी ये अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अमेठी में पांचवें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही स्मृति के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस अब तक फैसला नहीं ले पाई है। ऐसा ही हाल रायबरेली सीट पर भी है। अब वाड्रा के बयान के बाद सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या किसी और चेहरे पर दांव लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.